नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं उमा श्री, आप सबकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ही चैनल में। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। आज का जो वीडियो मैंने बनाया है ये बर्तनों पर केंद्रित है। बर्तनों के द्वारा भी लोग नेगेटिविटी आप पर छोड़ते हैं, ये आपको नहीं पता होता। तो आज की वीडियो में मैं इसी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि यदि आपको इनमें विश्वास नहीं है तो प्लीज़ आप वीडियो बंद कर दीजिए, आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन यदि आप इनमें विश्वास करते हैं तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। मित्रों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले 2 मिनट और लेना चाहूँगी आपके। चैनल को सब्सक्राइब करके मित्रों बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में और भी बेहतरीन जानकारी आपको दी जाएगी। इसके अलावा अभी मैंने नवरात्रि ऑफर दे रखा है, 1000 में आप एक सवाल पूछ सकते हैं। तो बिना देरी के संपर्क करिए, छोटी सी सलाह आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, बर्तनों से संबंधित बहुत सी सारी मनहूसियत या गलतियाँ होती हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनसे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है, और वो किसी के द्वारा आपके लिए बुरी नीयत भी हो सकती है। आपको मैं उदाहरण देती हूँ। अगर आपका पड़ोसी या मिलने जुलने वाला या रिश्तेदार बहुत दिनों से आपके बर्तन को रखे हुए है और बहुत दिनों से वो आपका बर्तन वापस नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे वैसे तो कोई भी वजह हो सकती है, भूल भी सकता है इंसान, तो पूरा नेगेटिव मत सोचिए। लेकिन इसके पीछे ये वजह एक ये भी हो सकती है कि वो इंसान आपकी बरकत को छीनना चाहता है। आपका जो रसोई का बर्तन होता है वो आपकी उन्नति को बताता है, वो आपकी खुशकिस्मती का प्रतीक होता है। कई बर्तन तो ऐसे होते हैं कि वो पूर्वजों के द्वारा पुराने बर्तन होते हैं। तो बर्तन किसी भी रूप में आप कभी भी किसी के यहाँ ना छोड़ें। यदि कोई भी आपका बर्तन बहुत दिनों से रखे हुए है तो कृपया उससे अपना बर्तन वापस मांगें। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि किसी के आप कोई खाने की चीज़ भेजते हैं, कोई आपने कोई भी डिश बनाई है और अपने किसी मिलने जुलने वाले के घर पे आपने खाने की कोई चीज़ भेजी है, और यदि वो बार बार आपका बर्तन खाली लौटा देता है तो ये भी बहुत बड़ा अपशकुन होता है। मित्रों, हमेशा जब भी आप किसी के घर कोई भी चीज़ भिजवाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो भी आपके बर्तन को भरा हुआ ही भिजवाएं, भले ही उसमें एक टॉफ़ी ही क्यों ना रखें। इसके अलावा तीसरी और बहुत ज़बरदस्त बात, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, आप किसी के घर भी कोई चीज़ भिजवाते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं उस बर्तन को बिना धोए ही वापस कर देते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो बर्तन आपने किसी के घर पे भेजा है कुछ भी चीज़ रखकर, वो बर्तन वापस धुलकर ही आपके घर में आए, नहीं तो ये भी नेगेटिविटी को दर्शाता है। इससे ये भी तात्पर्य है कि उस मनुष्य की आपके प्रति दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, वो आपके बारे में अच्छे विचार नहीं रखता है। तो आज मैंने बर्तनों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारे मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।